बिल्ली तोरा धधौ ने पूछब तनटा यही हो हमरा लग जान है, जान कुतबा लगे छे रोटी अलवा भत्ता ओ धीपले धीपले देबे ना ओ धीपले धीपले देबे अच्छा दादाओ ना हमरे मिस कॉल मारी ए सखी एक सिंदूरदान अब सिंदूरदान के तैयारी करो करियो सिंदूरदान दिलाती बोलिए दादी जी पोत जमाए पोत जमाए बोलिए दादी जी आबु इमहर आबु बियाह भए गेल शादी तो हो गया यहाँ का नियम जानै छियै दुल्हा नहीं बियाह भेला के बाद दुल्हा उठ का दुल्हिन का प्रणाम करै छै देखिए दादी जी गोर लागे लिए यहाँ का रीति रिवाज है ए देखियो ना हमर साय दादी जी यहाँ के दादिया ससुर हां मुरठा वाला हां हमरा रोज गोर लागे छै ए अपन भोरे भोरे बहनी केला आपको लगता है दादी जी ए जाय छियो अब आइ मैं आबि गेलो देखै छियो जो दादी आइ तोरा जतरा नै बनतौ आप। चाचा जी शादी हो गया क्या हाँ चाचा जी मेरे कहने के अनुसार सब कुछ अच्छा हुआ हाँ क्यों नहीं बिजली पीछे हट जा तुम लोग महामंत्री बेटी चमेली की शादी हो चुकी है हेलो सुना जी महाराज इसी समय वो चांद डाली चंपा को दरबार में हाजिर करो जी महाराज अरे तेरी नारियल गई हार हाँ पिताजी देखो देखो क्या देखो मेरी बेटी चमेली को क्या छोटी बात चमेली को क्या हुई आज चमेली देखने में राज रानी लग रही है हाँ पिताजी
मरवे मरवे कौन? बिल्कुल मर जाएगी। लेकिन पिताजी ये मैं क्या देख रही हूँ, इस घर में शादी करने के योग आपका बड़ी बेटी चंपा है, चंपा को आप शादी नहीं की, आप छोटी चमेली की शादी क्यों कर दी? चंपा हाँ पिताजी, अगर तुम मुझे भाग विधाता मान लेती है तो मैं तुम्हें इससे भी सुंदर घर और वर देख करके शादी कर दूंगा। क्या बेटी चमेली हवेली को छोड़कर जाने से पहले ये एक बार इस चरण डाल को समझा दो, मैं फिर आऊंगा। ठीक है पिताजी। देखो चंपाबा, शादी तो पहले तुम्हें होना चाहिए लेकिन मुझे हो रहा है। अगर तुम बाल विधाता पिताजी को मान लेते तो शादी तुम्हें होता और तुम अपने अच्छा से घर बसाते। बहन अभी तुम नादान हो, बहन तुम मुझे क्या समझा रही हो? चमेली। हाँ पिताजी। क्या हुआ पिताजी? चंपा बहन भाग विधाता मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस बात को जानता था, ना जाने अब मैं इस चांदाली का क्या करूं, इस चांदाली के साथ क्या क्या नहीं किया, मैं इसे मारना भी चाहा, फिर भी ये बेटी जमाए के बिहा करके दुआर पर बैठा देने छे। देखो बड़की बेटी के मारपीट करे छे, एकरा लूटने छे कि हो? चीर डालूंगा फाड़ डालूंगा महामंत्री। लौंडे जा चमेली, जा आज मेरे नजर से दूर, तू अपने राज को जा रही है, अपने राज में जा करके कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें कि तुम्हारे पिता का सर शर्म से झुक जाए। ठीक है पिताजी। हेलो ए गोरैया जू, हो लगिया हो Ha ha ha!
चमेली सखी सहेलियों आगे में गाड़ी लगी है। हेलो इसमें बोलो। हाँ चाचा जी आगे में गाड़ी लगी है। हाँ देख रही हूँ। जाओ चमेली को आदर सम्मान के साथ गाड़ी तक बिठा दो। ठीक है। एगे दीदी तंडा रुक पहुना तंडा समझाए दुनिया देखता रह जाएगा चमेली की शादी। बुरबा देखो यो 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 है चाचा जी आप जाइए मैं जा रहा हूँ। ओ पोना पोना हा बोलो देखें जो हमर बहन दुबली पतली से बेचारी बड़ा सुकुमार से जान लो तंटा काम कम में दियो नहीं तो ज्यादा डोज दे दियो बस फड़फड़ा के मरीज से काम करता करता। ए! राजा महाराजा है अब वहां कैसे है माँ नौकर चाकर लगा हुआ है काम काज करने के लिए नौरी रंग के नहीं फिरा दियो सब काम करते हैं मर्दी दिए कुछ नहीं करेगा माँ हमें गोदी चढ़वे हम दुलार सरो सिखियो ना तंटा हम मुँह चढ़वा तोरा पर पहले मैं चढ़ूंगी मैं चढ़ूंगा हट हाय रुको तो नहीं चढ़ी हम चढ़ बहुत अच्छा लग रहे हो तुम यही सब बोलता है। सुनिए दर वैसे आप क्या करते हैं हम अभी तो बैठ के खाते हैं। क्या खाते हैं जो खाना बनता है वही खाएंगे ना। राजा महाराजा हैं राजा महाराजा मेरा पिताजी था मैं उनका बेटा हूँ। तो आप राजकुमार हैं। हाँ अच्छी बात है लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई फोटीचर की तरह। ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा तो कब आइएगा हम। हाँ वैसे तो दशहरा आगे में आएंगे घूमने के लिए। मैं दशहरा में चली जाऊंगी और कहीं होली में घर पे रहती हूँ मैं। होली में? हाँ होली में चलो छुट्टी मिलेगा तो आएंगे। ठीक है। हेलो और तुमको साथ में लेके जाएंगे। अच्छा इतना दम है। यस पति रहना जी जान चलो उधर सुर में पति रहना जी जान हमर कलाई हो को न किया दजी जा तब जा बहन अच्छी तरह से रहना कभी आना मिलने के लिए। ठीक है बा मैं जरूर आऊंगी मिलने। कब आओगी? दशहरा में। ओ दुर्गा पूजा में। हाँ ठीक है आना। चलो सखी हम लोग अदार देते हैं। ठीक है चलो। हेलो दुल्हने धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया दुल्हने धीरे धीरे चलियो ससुर
कहीं का प्रणाम। ये क्या, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ आपको? अरे शानदारी चंपा के लिए क्या क्या मैं नहीं किया। बेटी चमेली की शादी भी कर दी, लेकिन वो चांदाली मुझे फिर भी भाव विधाता मानने से इनकार है। महाराज इतना आपने इतना कुछ किया फिर भी चंपा विधाता मानने से इनकार है। महामंत्री जी महाराज, लास्ट उपाय, लास्ट उपाय, लास्ट, मैं चाहता हूं कि चंपा, मैं गृहपति जी से सूचित करना चाहूंगा, थोड़ा ये बच्चों को बैठाने का कष्ट करेंगे। और हमारी माता बहना जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि बहुत दिनों बाद हम आपकी सेवा करने आए हैं, थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए ना। बहुत अच्छा दृश्य है, दर्द भरी कहानी आप लोग देखेंगे। जब तक मेरा कहानी पूरा नहीं होगा आप लोग अपने अपने घर को नहीं जाएंगे। फिर बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, फिर कम मौका मिलेगा। 3 घंटा मेरा ड्रामा चलेगा, बैठिए, बैठ जाइए। अरे दादी तोरण कैसी हो गए? और मैं बड़े भाई साहब से चाहूंगा आप लोग तरफ थोड़ा पीछे खिसक जाइए, नहीं बैठिएगा तो बैठने दीजिए, बैठ जाइए। हमारा बरकियों में ये लो चौकी, बरकी में गए, बैठ बैठ, चाय भेजवावे छु, बैठ। इतना मारूंगा, मैं चाहता हूँ अब मैं उसे इस राज में, इस हवेली में देखना नहीं चाहता। हाँ वो शादी क्या तो कोनो पराना घरनामा, राजकुमार हो, संपत्ति वाला हो। वाह वाह वाह, देखो बुरबा, देखो लहरता लहरता लहरता, तब कर वो तो रावरा लुक्कर खराब। हाँ अपने मन से संपत्ति वाले ने करेगा तो ही करी दो जन्ना कर। चंपा के लिए कैसा बर चाहिए ये मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसा बर चाहिए चंपा के लिए? ऐसा बर ढूंढ करके लाओ जिसे चलने के लिए पैर नहीं हो, आगे मयू खाने के लिए हाथ नहीं हो, जिसके शरीर से खून और पीप का धारा चल रहा हो। कोरी हा, एक कोढ़ी को ढूंढ करके ला। हे भगवान, चंपा मुझे भाव विधाता नहीं मानेगी तो कोढ़ी की साथ इस राज से बाहर कर दूंगा। हे भगवान, देखो बरका मुंह प्रतिशोध का बदला। मरवे मरवे, कौन मरेगा? चंपा, मैं अमर हूँ, शंकर भगवान का वरदान है मुझे। दिनों पूरी जीतो, मैं चाहूंगा तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। नहीं बाबू, हमारा एक दर्जन बच्चा कोई नहीं बचाएगा, हमारा मुर्गी फार्म खोल देना शिवर बाबू। ऐसा करो, हमारा नहीं मारो, या नहीं तो भागलपुर जाओ, या नहीं तो सहरसा, वो मिलता पर या कोनो प्लेटफार्म पर, बड़े से बड़े स्टेशन पे जा, जो सबसे रद्दी कोढ़ी होगा, रद्दी रद्दी कोढ़ी। एकरो दिन पूरी रहलो छ बरकी भाई। किसका? वकरे हा, वकरे चंपा। यह है, यह है। शट अप बुरबा, देखो हसैम की लगावे छ मुही। जा कोढ़ी को ढूंढ करके पकड़ करके ले आ, अगर कोढ़ी नहीं आएगा जी, कोढ़ी नहीं आएगा तो बड़ा सा डंडा रखना, डंडा से मारते हुए कोढ़ी को लाना। मार लाए मार लाए, पहिन छिनाग लाने ले भैया। मैं चल करके बैठता हूँ, विलंब नहीं करना। हालो की करबो बड़का बाबू, मुसीबत बड़ा खड़ा भए गेलो छे, बिहा नहीं करेबे तब कहना चाहिए महाराज के कि चंपा की शादी किसी बड़े घराने में कर देते हैं, बिचारी समझती रहेगी।
लेकिन देखो बहन छिंदा बाप का कैसे कोरी से शादी करूंगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मिलते तो बरहरा स्टेशन में मिलते नहीं हो, हाँ कोरिया तो कोनो स्टेशन में मिलते जैसे कोरिया खोजे ल। शिव भगवान मैं बार बार क्यों गिर जाता हूं, मैं मुझे ठोकर ही ठोकर मिलता भगवान। जिस दिन से नागिन ने मुझे शराब दिया कि जाओ राजकुमार तुम कोढ़ी हो जाओगे, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएंगे, मैं तो विश्वास नहीं करता था, लेकिन नागिन के शराब मेरे हाथों हाथ लग गया। आज मैं क्या देख रहा हूं संसार में, एक राजकुमार की क्या दुर्दशा है, ना तो रहने के लिए घर रहा, ना तन पर वस्त्र रहा, ना देखने के लिए सही से मेरे नेत्र रहे, ना चलने के लिए पैर रहा, ना खाने के लिए हाथ रहा। नागिन के शराब से मैं संसार में दलिद्र हो गया, मुझे चला नहीं जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। काश मैं जानता नाग और नागिन एक साधारी भगवान भोलेनाथ का शिष्य है, तुम्हें भूल नहीं करता, छोटी सी भूल के लिए देखिए क्या सजाए हुआ, मुझे चला नहीं जा रहा है, मांगा हुआ भिक्षा नहीं मिल रहा है। शिव भगवान आप सबों से प्रार्थना करता हूं, इस संसार में कई रोज से भोजन नहीं मिला है, मेरे जैसे अनाथ मेरे जैसे कोढ़ी मेरे जैसे भिखारी को आप लोग 10-5 रुपया से मदद करेंगे, संसार में कोरी का गुजारा हो जाएंगे, दुनिया वाले मुझे ताना मारते हैं मैं सहन कर लेता हूं, आप हमें मदद करेंगे संसार में, भगवान आपको भला करेंगे। हे परमात्मा आपकी कैसी लीला है, सुख के सागर में जीने वालों को दुख के झोली में डाल दिया, मैं संसार में अनाथ हो गया, मैं दर दर के भीख मांग रहा हूं कि आप लोग हमें सहारा करें। आहो नागिन कैसे आरा था बाप
भोजन नहीं मिला हो आप लोग मदद कीजिए।